क्वेश्चन है अमेरिकन सोसाइटी के बारे में कि डिस्कस हाउ द प्ले द क्रूसिबल प्रेजेंट्स द रियल कैरेक्टर्स फ्रॉम रियल अमेरिकन सोसाइटी, कि क्रूसिबल जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है रियल कैरेक्टर्स फ्रॉम रियल रियल अमेरिकन सोसाइटी को. मैंने आपको बताया था कि क्रूसिबल जो है वो शो करता है मैकार्थीज्म को, ठीक है, ये रियल कैरेक्टर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी को शो करता. अब आपने बताना कि किस तरीके से शो करता, इसका बैकग्राउंड क्या था. Discuss Salem witchcraft, Puritanism and Puritans in the Crucible. Also discuss the title of the play. दूसरे question है, discuss how the play the Crucible presents the real character from real American society. And third question, discuss major themes in the play and the corruption of justice. ये तीनों जो questions हैं इनका answer ये एक है. Background देख लेते हैं Crucible का क्या था. Before the Crucible, the playwright Arthur Miller was born in New York on 17th October 1915 to a non-Orthodox Jewish family. Miller had a comfortable childhood, but when his father was ruined in the Depression of 1929, the family moved to Brooklyn. At that time, almost a country suburb, although Miller's school career was unpromising, he worked briefly in his father's business and then took a variety of casual job, some of them manual, which provide the background for several plays. Salem, the village had developed as the agricultural hinterland of Salem, the thriving trading town on coast 5 miles away. Rivers and seas inlets lay between the town and the village, which was in reality a collection of scattered farmsteads. अच्छा, the village that had developed as the agricultural hinterland of Salem, a thriving trading town on coast 5 miles away, rivers and seas inlet lay between town and village, which was in reality a collection of scattered farmsteads. Farmers living further inland had to grow their produce on much less fertile terrain. Added to a jealousies about land were disputes over appointing a minister. The town continued to demand taxes to exercise authority over the villagers. उसके बाद देखते हैं हम Puritanism वहाँ पे कैसी थी, यानी कि क्या Salem और Puritanism क्या real America से ही ताल्लुक रखती है. Although officially part of Church of England, the 1630 Puritans were closer in belief and practice to Presbyterian Calvinism. They believed that every soul was predestined for heaven or hell. उनको ये लगता था कि हर soul जो है वो predestined है, यानी कि for example हम अपने बारे में तो हमें पता है कि हमने heaven में ही जाना है, लेकिन दूसरे के बारे में हमें पक्का यकीन होता है ये जहन्नम में ही जाएगा, चाहे वो हमारा बहन भाई है कि नहीं है. लगता है ना मैंने तो मरते ही सीधे जन्नत में जाना, और जो साथ वाली बैठी है ना ये तो जाएगी जहन्नम में क्योंकि इसकी बुराइयां मेरे से ज्यादा. लगता कि नहीं लगता, तो ये वही वाली प्रीडिस्टाइंड सोल है. ओल्ड टेस्टमेंट लॉ अप्लाइड टू एवरी एरिया ऑफ लाइफ, ये तमाम ओल्ड टेस्टमेंट लॉ जो है एवरी एरिया ऑफ लाइफ से पे अप्लाई करते हैं. द प्यूरिटन्स ब्लेम्ड एनी टेम्पटेशन टू ब्रेक देयर स्टर्न कोड ऑन द डेविल एंड अदर इविल स्पिरिट. प्यूरिटन्स जो है वो किसी भी किस्म की टेम्पटेशन जो कि इन स्टर्न कोड्स को, इन स्ट्रिक्ट रूल्स को जो है ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ऑन डेविल एंड अदर इविल स्पिरिट्स, तो वो इसको ब्लेम करते हैं. दोज हु ब्रोक द रूल्स हैड टू कन्फेस इन पब्लिक, और जो इन रूल्स को ब्रोक करता है उसको पब्लिकली कन्फेस करना पड़ता है. एंड सफर सीवियर पनिशमेंट, टू वर्क ऑन संडे वॉज अ सीरियस ऑफेंस, और संडे को काम करना एक सीरियस ऑफेंस था. द प्यूरिटन्स डिसअप्रूव्ड ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ द रिलैक्सेशन, प्यूरिटन्स जो है ये बहुत सख्त थे, ये किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन जो है उसको डिसअप्रूव करते थे. दे कन्फाइंड प्राइवेट रीडिंग टू द बाइबल एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट. चिल्ड्रन हैड टू लिव अप टू दिस कोड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम देयर अर्लीस्ट ईयर्स एंड टेक देयर शेयर ऑफ एडल्ट फॉर्म फ्रॉम द एज ऑफ 7. मिलर डिस्कसेस द इफेक्ट ऑफ दिस हाईली डिमांडिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन हिज नोट्स टू एक्ट 1 ऑफ द क्रूसिबल, ठीक है. और मिलर जो है वो डिस्कस करता है इसी इफेक्ट ऑफ हाईली डिमांडिंग सेल्फ डिसिप्लिन को अपने नोट्स टू एक्ट 1 ऑफ द क्रूसिबल में. उसके बाद देखते हैं विचक्राफ्ट.
Like most people in 17th century, the Puritans believed in witches. The idea of witchcraft existed long before the Christian era. The Old Testament states, "Thou shalt not suffer a witch to live." This was the basic of witchcraft laws in prehistoric society. Magic and sorcery were a feature of religion. The early Christian church regarded them as remains of paganism. There were laws against the practice of witchcraft, but no systematic persecution. ठीक है, सबको पता था जो prehistoric times में prehistoric society जो है वो black magic किया करती थी, और Christian जो है उनको क्या Christian church जो है उनको regard करता था कि ये जो remains हैं of paganism, और there were laws against, और इस तरह के laws बनाए गए ताकि इस witchcraft को जो है खत्म किया जा सके, बट नो सिस्टमैटिक पर्सिक्यूशन, लेकिन कोई सिस्टमैटिक पर्सिक्यूशन नहीं हो सकी. उसके बाद हम देखते हैं द प्यूरिटन्स. इन 1620 प्यूरिटन्स लैंडेड एट प्लायमाउथ रॉक इन मैसाचुसेट्स एंड फाउंडेड द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट इन न्यू इंग्लैंड. दे हैड लेफ्ट इंग्लैंड टू एस्केप रिलीजियस पर्सिक्यूशन एंड टू एस्टैब्लिश अ न्यू यरूशलम इन द न्यू वर्ल्ड. यरूशलम का पता है ना, न्यू यरूशलम का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से इंग्लैंड, मतलब इनका ये कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा से इंग्लैंड में आएंगे या दुनिया में आएंगे और इसको न्यू यरूशलम बनाएंगे. उनका ये कहना है कि ये जो न्यू यरूशलम है इसमें कोई भी बुराई नहीं होगा होगी. जब भी जैसे ही हज़रत ईसा का दोबारा नज़ूल होगा तो वो तमाम जो बुराइयां हैं जो दुनिया में प्रिवेल कर चुकी हैं वो खत्म हो जाएंगी. दिस प्रॉमिस लैंड हाउएवर कंटेन्ड मेनी न्यू डेंजर्स. और ये प्रॉमिस लैंड जो है, अब वो ये जो प्यूरिटन्स हैं वो कहते हैं कि वो दुनिया, ये न्यू इंग्लैंड अब हम बनाएंगे. तो इन द फेस ऑफ हार्श क्लाइमेट, फायर्स, एनिमल्स, होस्टाइल इंडियंस एंड अ वास्ट गॉडलेस वाइल्डनेस, द प्यूरिटन्स ड्रू टुगेदर इन अ टाइटली यूनिफाइड ग्रुप with extremely strict rules and an autocratic leadership through a combination of bitterly hard work, rigid discipline and hard justice. The Puritans succeeded in taming the land that no one before them could conquer. Or isi combination of bitterly hard work mein aur rigid discipline aur hard justice mein Puritans jo hai wo टेमिंग द लैंड में तो सक्सीड हो गए, दैट नो वन बिफोर देम कुड कंकर, और जो कि आज से पहले कभी किसी ने जो है